और हमारे सहयोगी दीपक रावत भी उसी अस्पताल परिसर में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले इसी अस्पताल परिसर में दीपक रावत ने एक पीड़ित महिला से बात की, जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे। मुझे लगता है वो रिपोर्ट दीपक की हम जरा दिखा देते हैं। रिपोर्ट देखिए, आप समझ पाएंगे इस वक्त किस तरीके के दर्द के सैलाब में डूबा हुआ है पूरा का पूरा हाथरस। हाथरस से जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। तैयारियाँ काफ़ी ज़्यादा की गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं। सीएमओ से लेकर एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक की एक टीम भी आई है। 38 शवों को कल देर रात यहाँ पर लाया गया था, जिनमें से करीबन 36 से 37 शव को की शिनाख्त हो चुकी है। उन्हें पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। करीबन 10 लोग घायल हैं जो कि यहाँ पर भर्ती बताए जा रहे हैं। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, यहाँ पर घायलों को भर्ती किया गया है। ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे और उन्हीं को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ करीबन 11 बजे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो घायल हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, उनका इलाज चल रहा है। स्थिति बहुत भयानक है और जिनके परिजन नहीं रहे वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। कई लोग रात भर खोजते रहे अपने परिजनों को, जिनकी जिनको नहीं मिल पाए, जिनको सुबह पता चला कि वो किस अस्पताल में हैं, और जब पता चला कि वो नहीं रहे तो उसके बाद स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो ये तस्वीर हम आपको अस्पताल के भीतर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त घायलों का उपचार चल रहा है। इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। आपकी माता जी हाँ सत्संग में गई? हाँ। क्या स्थिति है माता? अब तो ज़्यादा तबीयत खराब है मम्मी की। हाँ, बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब अभी दिखाया नहीं है, अभी तो लाए हैं। बात कर पा रहे? हाँ बात तो कर पा रही। उस वक्त क्या हुआ था कुछ बता पाएंगे अगर आप बता सकें? बता पाएंगी संग में क्या हुआ था? एकदम में भीड़ आई, एक बाइक गिर गई, तो तोरा ऊपर तो हमारी ऊपर गिरी। बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई एक जानक से। हाँ। कैसे आप वहाँ से बच पाए, कैसे निकल पाई? हम आई वैसे ही, हमारे संग बारे लेके लिवाए के लेके आई। हम घर हूँ परे। किसकी गलती लगती है आपको, क्या कैसे हुआ ये भगदड़, क्या हुआ ऐसा अचानक, क्या हो गया? सत्संग आप पहले चल रहा था आराम से, फिर अचानक से क्या हुआ? पब्लिक एकदम में भाज पड़ी, पब्लिक गिरी एकदम। खत्म होने के बाद? हाँ। तो ये घायल हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं, ये आपके आप बात कर पाए? स्थिति खराब है, देखिए ये तस्वीर देख रहे हैं, आप भी थी वहाँ पर? ये नहीं। तो ये तमाम लोग हैं, देखिए अस्पताल के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो घायल थे इस वक्त इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। तो ये दीपक रावत की आप रिपोर्ट देख रहे थे उसी अस्पताल से, जहां अस्पताल के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार घायलों का हालचाल जान रहे हैं। एक एक घायल के पास पहुंचकर योगी आदित्यनाथ इस समय उसका हालचाल लेते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये हाथरस का अस्पताल है। हाथरस पहुंचते साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले तो रिपोर्ट तलब की है, अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने मीटिंग की है, और इस समय योगी आदित्यनाथ हाथरस के अस्पताल में मौजूद हैं। और जरा तस्वीरें यहां पर दिखा दीजिए, देखिए किस तरीके से यहां पर जो पुलिस बल की तैनाती है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, योगी आदित्यनाथ अभी तो देखिए अस्पताल में मौजूद है, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ यहीं पहुंचेंगे, इसी घटना स्थल पर पहुंचेंगे, और इसी को लेकर पुलिस अब मुस्तैद हो रही है। यहाँ पर पुलिस बल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना स्थल पर भी योगी आदित्यनाथ आएंगे। और इसी को लेकर अब जो यहाँ घटना स्थल पर तमाम गाड़ियां, तमाम मीडिया कर्मियों के वाहन पार्क थे, उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक यहाँ कतार से सारी की सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन अब सारी गाड़ियों को थोड़ा आगे करके पार्क करने के लिए कहा गया है। व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है, पुलिस की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। मैं आपको सुनाती हूँ, देखिए यहाँ पर हमारे साथ एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और उनके हाथ में माइक है। कुशवाहा जी हैं हमारे साथ, आइए कुशवाहा जी कैमरे पर आइए जरा। कुशवाहा जी जो है वो लगातार व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ पर? संभावना है, इसीलिए व्यवस्था बनाई जा रही है। क्या क्या आपका फोकस क्या है यहाँ पर, प्राथमिकता किस बात को दे रहे हैं आप? और ये जीटी रोड है, यहाँ पर लगातार बिजी रूट है, इसलिए यहाँ पर व्यवस्था बनानी जरूरी है। बड़े वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं? बिल्कुल।
ठीक है, तो कुशवाहा जी को आपने सुना, हाथ में उनके माइक है, लगातार ये देखिए इस पर अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं और व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर पहुँचना है।